मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व, प्रदेश स्तरीय और केंद्र स्तरीय नेताओं ने मुझे पर भरोसा करके जो मुझे ये दायित्व दिया है, मैं पूरे ईमानदारी से और किसान के साथ जो पौने पाँच साल में जो कांग्रेस की सरकार ने जुल्म ढाए हैं, उनको आम किसान के घर जाकर, हर घर जाकर किसानों को इस बात को हम सचेत करेंगे कि राजस्थान की जो कांग्रेस की कुशासन सरकार है, जो अन्नदाताओं से झूठे वादे करके जो 2018 में सरकार बना ली है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना। कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी के लिए कहा था। हाँ, उनके नेता राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने दस्तक गिनती बोली थी कि हमारी सरकार आते 10 दिन के बाद संपूर्ण राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। आज किसान ठगासा महसूस कर रहा है, आज किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है, आज किसान की जमीन लीलाम हो रही है। इसलिए किसान बेसब्री से राजस्थान के चुनाव कब हो और इस राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कल प्रधानमंत्री जी सिक्कर आ रहे हैं और किसान निधि सम्मान को एक साथ देखिए, आपको पता है जो 60 साल में कांग्रेस ने किसानों को ठगा, झूठे वादे किए, परंतु मैं हमेशा कहता हूँ, या तो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने किसान सम्मान निधि के पहले किसान फसल बीमा योजना लागू करी, या नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देकर करोड़ों किसानों के आंसू पहुंचने का काम किया है। MSP की बात करें, 2014 में मैं बाजरे की बात करूं, 11 रुपए किलो बाजरे के MSP थी, आज 2500 रुपये, जो मूंग 3100 रुपये 2014 के पहले था MSP, आज 8560 रुपये। मोदी जी ने किसान को एक अन्नदाता मानकर किसानों के लिए जो 9 साल में काम किए, उसके लिए हिंदुस्तान का किसान, राजस्थान का किसान तैयार बैठा है। मोदी जी को तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाए, उसके पहले जो नवंबर दिसंबर में राजस्थान के चुनाव है, राजस्थान का किसान कमल के फूल के सामने बटन दबाकर इस जो किसान विरोधी राजस्थान की सरकार है उसको उखाड़ फेंकेगी। लाल किताब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस के जो यदि इतिहास को उठा के देखें, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, कांग्रेस लूट और चूट की सरकार है, इसलिए लाल किताब में कई काले कारनामे निकलेंगे। आप चिंता मत करो, क्यों उनके विधायक कहते हैं, उनके मंत्री कहते हैं फॉर्चूनर में जाएंगे, वो खुद भ्रष्ट हैं, और उनके जो अभी बर्खास्त किया वो मंत्री जी कह रहे हैं कि इनका नार्कोटिक टेस्ट कराइए, ये 90% ये सबके सब ये बहुत क्रिमिनल है और इनका चरित्र बहुत घिरा हुआ है, तो वो सारे एक दूसरे, ये राजस्थान की सरकार ये करने वाली है क्या? परंतु आप चिंता नहीं करें, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार आएगी, फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो क्या लगता है कि 200 सीटों में से कितनी सीट ला पाएगी? 225 सीटें, 175 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी और इस कुशासन की सरकार से छुटकारा पाएंगे। राजस्थान का किसान, राजस्थान का मजदूर, राजस्थान का युवा, राजस्थान की महिलाएं, राजस्थान का आम जन तेजी से विकास करेगा और आगे बढ़ेगा।